बता दें कि जितने भी प्रदेश में इस तरह के जो खाद डिपो है वहां पर इसी तरह से किसानों की लंबी लंबी लाइनें और भीड़ आपको देखने को मिल जाएगी। सुबह से ही किसान आकर के खड़ा होता है लाइनों में। इस वक्त हम राजधानी लखनऊ के जो निगोहा सहकारी संघ लिमिटेड का ये पूरा खाद डिपो है, यहाँ पर तमाम किसान दिख जाएंगे जो खड़े हुए हैं। इनसे बात करते हैं, कब से खड़े हैं आप यहाँ पे? सुबह से खड़े हैं। सुबह से खड़े हैं, काफी समय हो गया। खाद के लिए क्या बताया जा रहा है? बता रहे नंबर लगाओ, मिलेगी कम मिले वो चढ़ा रहे हैं। कुछ पैसे जमा हो गए अभी हमारे? नहीं, पैसे नहीं लगे। कितने रुपए की खाद यहाँ मिल रही है? 1360 की। 1360 बताए। 1350 की है ना? हाँ, तो 1360 बताए। तो कितने रुपए ज्यादा ले रहे हैं आप? 10 रुपए। आप लोगों ने पूछा नहीं क्यों ज्यादा ले रहे हैं? ये तो नहीं पूछा हमने, पूछा गए 1360 की है। अच्छा, सभी से 1360 10 रुपए पल्लेदारी के लिए जा रहे हैं। लेकिन आखिर क्या जो सरकारी रेट है उस सरकारी रेट में ये इंक्लूड है या नहीं है, ये एक बड़ी सवाल है। कि सरकार जिस तरह से किसानों को सहूलियत तो दे रही है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरें फिर से हम आपको दिखाना चाहेंगे। सुबह से किसानों की तमाम यहाँ पर भीड़ नजर आएगी और ओवर रेटिंग में यहाँ पर जो खाद है वो बेची जा रही। लखनऊ से इंडिया न्यूज के लिए जय शुक्ला।